दोस्तों, मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर पे। तो यहां पे हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं वीडियो नंबर 8। इससे पहले हम 7 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं जीके की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये वीडियो भी हमने आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए बनाई है वैसे, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस काफ़ी सेम है इसका, पंजाब पुलिस, एसएससी और जितने भी हमारे 10th और प्लस 2 लेवल के पेपर है ऑल इंडिया, इससे इसका सिलेबस सेम होने की वजह से ये वीडियो कहीं पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसमें जीके और जीएस तो कॉमन ही रहता है, तो उसके लिए आप ये सारी जो हमारी प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने ज़्यादा फोकस किया है जनरल साइंस पे, ठीक है। पिछली जो वीडियोज़ है उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया था जीके पे, वैसे मैंने मिक्स सा एक पोर्शन बनाया है सारा। तो आपके हाथ में आई एम श्योर के कॉपी और पेन होगा, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी और पेन ले आइए और हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैंने बताया, ये 8वीं वीडियो है और 7 वीडियोस के लिंक हमारे पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जल्दी से वो वीडियोस देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ब्लड इज प्योरिफाइड? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दिल, गुर्दे, फेफड़े या आंत, ठीक है जी। यहाँ पे जो ठीक आंसर रहेगा वो डेफिनेटली रहेगा किडनी। किडनी हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसमें प्योर होता है हमारा ब्लड। अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि उसका ब्लड प्योर नहीं होगा, प्योरीफाइड नहीं होगा, उसके शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसे केस में उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा हर हफ्ते, ठीक है। तो किडनी इसका ठीक आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जी, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू सी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, वो स्पेस में होते हैं मोस्टली, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप या बायोस्कोप? देखिए, अगर तो छोटी चीज़ों को देखनी है जो हमारे बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे से जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, या विषाणु, वायरस वगैरह, अगर छोटे वाले वायरस देखने हैं तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ये सबको पता है। इसी तरह अगर हमने कुछ दूर की चीज़ देखनी है जो हमसे काफ़ी दूर है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप। तो इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा टेलीस्कोप, ठीक है जी। कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप। तीसरा प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे के साथ मिश्रित होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील? देखिए, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो 3 चीज़ों को मिला के बनता है। सबसे पहले तो उसमें लोहा होता है, ठीक है, दैट इज आयरन, Fe, ठीक है। उसके बाद उसमें पड़ता है आपका निकल, Ni, और उसके बाद उसमें पड़ता है क्रोमियम, ठीक है जी, Cr। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है जर्मेनियम, क्रोमियम, टिन और कॉपर, और डेफिनेटली आपका जो बी क्वेश्चन, जो बी आंसर है आपका, बी ऑप्शन है आपका, वो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने पेपर में ऑप्शन में निकल दे दिया है तो आप निकल को भी टिक कर सकते हैं। इसलिए मैंने बता दिया कि लोहे के साथ 2 चीज़ें और डलती है, दैट इज क्रोमियम एंड निकल, ठीक है। तो क्रोमियम इसका ठीक आंसर रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। व्हाट इज फाउंड इन द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड? यानी रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्या उसमें लोहा पाया जाता है, चांदी, कॉपर या सोना? मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, पहले ठीक आंसर बता देता हूँ। तो जो ठीक आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ये आयरन, ठीक है जी। आयरन की कमी हो सकती है बॉडी में कभी कभी, ये आपने अक्सर सुना होगा कि बॉडी में आयरन की कमी है या कैल्शियम की कमी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो लाल रंग होता है खून का, रेड कलर जो होता है, वो भी आयरन की वजह से ही होता है। जिस बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है उसका फिर ब्लड जो है वो थोड़ा प्रॉपर रेड नहीं होता, जो रेड ब्लड होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लोहा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। विच विटामिन स्ट्रेंथ बोन्स, यानी कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? इसका पहले आंसर बताने से पहले मैं एक हिंट देना चाहता हूँ। मेरा हिंट ये है कि
कि सूरज की जो रोशनी होती है उसमें ये विटामिन होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या आंसर है। तो इसका आंसर है विटामिन डी। जो बी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर किसी की हड्डियां मजबूत नहीं है तो वो सनलाइट में अगर बैठे तो उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट में विटामिन डी होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहले लाफिंग गैस होती क्या है, वो होती है जी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसको लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई पर्सन इस गैस को स्मेल कर ले, इस गैस को अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, अपनी सांस से अंदर ले जाए, वो हंसता ही रहेगा, उसकी हंसी कभी बंद नहीं होगी। ऑफकोर्स जब तक उसका असर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो बेवजह हंसता रहेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। इसका जो सिंबल है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है ये। ऊपर वाला जो NO2 है वो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, नीचे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो सही आंसर है। उसके नीचे नाइट्रोजन है और उसके नीचे सोडियम है, हमें चाहिए लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। कई मूवीज़ में भी दिखाया गया है N2O के बारे में, जैसे एक मुझे याद आ रही हाउसफुल 1, उसमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिखाया गया था। चलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। Which of the following is not a noble gas? सेवंथ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रियाशील है या नोबल गैस है या अनरिएक्टिव है, जो गैसेज किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती उसको हम नोबल गैसेज बोलते हैं। पहले जरा मैं नोबल गैसेज लिखवा दूँ आपको, ठीक है, जो अक्रियाशील गैसेज है वो जरा मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो वो आप लिखिए, सबसे पहले होती है हीलियम, फिर आती है न्यून, NE, ठीक है, फिर आती है एर्गन, फिर आती है क्रिप्टन, फिर आती है जीनन, फिर आती है रेडन, RN, ठीक है, और लास्ट में आती है अनऑक्टियम। ये है तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसको छोड़ दो। हीलियम, न्यून, एर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन। यहाँ पे हीलियम, एर्गन और न्यून तो नहीं हो सकता फिर आंसर, तो आपका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है बहुत सी और गैसेस के साथ और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हीलियम, एर्गन और न्यून, ये जो तीन गैसेस दी गई है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये अक्रियाशील गैसेस होती है जो किसी के साथ, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं शो करती। तो इसलिए ये तीनों जो है नोबल गैस है और ऑक्सीजन जो है वो नोबल गैस नहीं है। चलिए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the live vaccine used to prevent BCG, यानी BCG को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जीवित टीका क्या है, क्या लगाया जाता है। अभी तो नहीं लगाया जाता वैसे BCG को, थोड़े से कम ही बचे हैं, लेकिन जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन है उन सबको BCG वैक्सीनेशन लगी हुई है, ठीक है। आप अपने मॉमी अपने डैड से पूछ सकते हैं, उनके बाजू पे एक निशान भी होगा, वो BCG इंजेक्शन का ही होता है वैसे। खैर, तपेदिक, ठीक है, ये जो टर्बुलसिल्स है इसको रोकने के लिए BCG वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इस रोग को रोकने के लिए, ठीक है जी, हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी किरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे, सबसे भारी कौन सी है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपके बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, चार तरह की रेज यहाँ पे दी गई है। इसका ठीक आंसर मेरे ख्याल से अल्फा रेज होना चाहिए, बिकॉज अल्फा रेज हम हीलियम को बोलते हैं और हीलियम का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, 4 होता है उसका, 4 AMU, तो इसका सही आंसर रहेगा अल्फा रेज। बीटा रेज तो नहीं हो सकता, वो तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर और उसका मास 9.1×10⁻³⁻¹ होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। गामा रेज तो वैसे ही हम जो हमारी सनलाइट है उसमें होती है, चलो वो तो वैसे नहीं हो सकता। एक्स रेज के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक्स रेज की खोज किसने की थी, आपके लिए लिख रहा हूँ, रोंगटन ने एक्स रेज की खोज की थी, ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, 14 टीके लगने वाला रोग। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग,
जब पागल कुत्ता काटता है तो 14 टीके लगते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन रोग कौन सा होता है? अब उस रोग का नाम है रेबीज। ये रेबीज हो जाता है, जो जिसको भी पागल कुत्ता काट लेता है उसको रेबीज हो जाता है। आज के टाइम पे इसका इलाज पॉसिबल है, वैसे पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अच्छा, अब मैं बता दूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। हैजा जो है वो होता है आपका जी जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है जी। और जो आपका डेंगू है वो होता है आपका वायरस की वजह से, ये भी आपको याद करना है। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, ये अपने आप में क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ठीक है जी, तो ये भी आप समझ लीजिए। आगे चलिए, हाँ जी, आगे क्या है? मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, यानी विच इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसकी हेल्प से हम सांस लेते हैं। अब सांस किन ऑर्गन्स की हेल्प से लेते हैं? पहले तो नोज के थ्रू हवा अंदर जाती है, ठीक है, फिर लंग्स तक पहुंचती है। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाता है, लंग्स, ठीक है। लंग्स जो है, जो फेफड़े जिसको हम बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मेन ह्यूमन बॉडी का, इसी में सारी जो प्रक्रिया है हमारी रेस्पिरेशन वो पूरी होती है, तो लंग्स इसका ठीक आंसर रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। व्हाट इज द प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू आफ्टर द डाइजेशन, यानी पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? चलिए, पाचन के बाद प्रोटीन जो है उसका बन जाता है जी अमीनो एसिड, ये भी आप याद कर लीजिए। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है आपको, तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन जी? ये रहा, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कौन सी किरणों में होता है, कौन सी रोशनी में होता है? फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, यहाँ पे चार ऑप्शन भी है, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और वाइट लाइट। और आपका ठीक ऑप्शन है ये बी, रेड लाइट जो है इसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है, टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय व्हाट? जो टाइफाइड है आपका, यहाँ पे चार ऑप्शन भी है वैसे, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटीन है या फिर प्रोटोजोआ है। यहाँ पे ठीक आंसर आपका डेफिनेटली बैक्टीरिया है। टाइफाइड रोग जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाते हैं, यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बायो वाले बच्चों को तो पक्का पता होगा ये, जीवन की मूल इकाई क्या है? क्या ये सेल ऑर्गेनल है, क्या ये टिश्यू है, ऑर्गन है या फिर सेल है? ये सेल है, डी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल है वही जीवन की मूल इकाई है, ये आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। इस प्रश्न में से तो बहुत सारे प्रश्न बन भी सकते हैं, वैसे बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कॉल्ड, मतलब लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब लोहे को जंग लगता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोहे को जंग लगता कैसे है। देखिए, ये रहा आपका लोहा, यानी कि आपका आयरन, इसमें जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो बनता है FeO2, यानी आयरन ऑक्साइड। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है, यही आपकी आपका जंग लगा हुआ लोहा है जिसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब ये ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ये आयरन ऑक्साइड और कुछ नहीं है, जो आपका लोहा जिसको जंग लगा है उसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? दो ही बन सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मैंने पहली ही वीडियो में करवाया था, मुझे याद है कि जब लोहे को जंग लगता है तो उसका मास, उसका भार बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है या इनमें से कुछ नहीं? ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, सबको आता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। क्योंकि आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाया है, तो क्योंकि ऑक्सीजन का भी अपना मास होता है तो लोहे का मास बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, क्या ये एक केमिकल चेंज है या फिर क्या ये एक फिजिकल यानी कि भौतिक चेंज है, ठीक है, क्या ये एक रासायनिक चेंज है या भौतिक चेंज है। पहले तो मैं बता दूँ केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। अगर चीज़ की सिर्फ शक्ल बदलती है, प्रॉपर्टीज सेम रहती है, तो वो फिजिकल चेंज है। जैसे पानी है, पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो ये एक फिजिकल चेंज है, हमें सिर्फ आंखों का धोखा है, ये पानी था ये बर्फ़ बन गया, ये लिक्विड था ये सॉलिड बन गया, लेकिन है तो वो पानी ही ना, तो ये चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जब वो केमिकली चेंज होता है, ना सिर्फ उसकी शक्ल बदलती है बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाती है। जैसे कि लोहे को जंग लगना, तो इससे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है नया, ठीक है। तो आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, कौन सी चेंज है, क्या ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो ये एक केमिकल चेंज है, ये भी आपको याद करना है। हो गया सोल्व क्वेश्चन। चलिए अब हम जाते हैं 17th क्वेश्चन। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू लाइट ऑफ डैश, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, ठीक है, डैश ऑफ लाइट यानी किसके प्रकाश के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, ये होता है जी स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है, स्कैटरिंग यानी बिखराव, ठीक है, ये कभी हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी क्लास में, आज थोड़ा सा टाइम कम है। तो स्कैटरिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आसमान हमें नीला यानी कि ब्लू दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, इस रोग की बात करते हैं, आर्थिटिस इसको बोलते हैं, एर्थाइटिस भी बोलते हैं, अब ये यूके या यूएसए कौन सी प्रोनंसिएशन आप बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट कई लोग इसको आर्थिटिस बोलते हैं, कई एर्थाइटिस बोलते हैं, प्रोनंसिएशन अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये डिजीज़, ये जो गठिया जिसको बोलते हैं हम, गंठिया भी बोल देते हैं वैसे, ठीक है, ये किस चीज़ से संबंधित है, क्या ये ब्रेन से संबंधित है, क्या ये हड्डियों से संबंधित है, या दिल से संबंधित है, या स्किन से संबंधित है, किस से संबंधित है ये, ठीक है जी। तो जो हमारा अर्थराइटिस है वो आपका बोन्स के संबंधित, जोड़ों में दर्द की शिकायत, ये अक्सर बुजुर्गों को हो जाती है जो 60 साल से ऊपर है, उनको ये गठिया रोग हो जाता है, तो ये बोन्स के साथ संबंधित है, ये हड्डियों के साथ संबंधित है। हो गया जी, चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक परमाणु में, प्रश्न नंबर 19 की बात कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के अवशोषित कण होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स आर देयर इन ईच एटम। देखो एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, क्या कोई और भी होता है, नहीं, तीन ही होते हैं, ये सही आंसर है, 3। प्रत्येक परमाणु में 3 प्रकार के अवशेषित कण होते हैं, इसका मतलब 3 टाइप्स ऑफ अब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स आर देयर इन ईच एटम, तो 3 तरह के होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं, प्लास्टिक किस प्रकार की सामग्री है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज प्लास्टिक, ये तो बहुत इजी है, प्लास्टिक है जी सिंथेटिक, सिंथेटिक एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक मैनमेड, ठीक है जी, सिंथेटिक मटेरियल है ये। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर, इनमें से कौन है जो एक सेमी कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, गैलियम एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सिलिकॉन भी चलो है लेकिन उसका इतना नहीं नाम आता वैसे, ठीक है, मेनली तो गैलियम और जर्मेनियम ही देखते हैं वैसे पेपर में हम, तो यहाँ पे जो आंसर तो डेफिनेटली जर्मेनियम ही आएगा, ठीक है, जर्मेनियम जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी से प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल, अब जैसे नोबल गैसेस की बात की थी हमने वैसे नोबल मेटल भी होते हैं, उत्कृष्ट धातु जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, जो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, देखो एलुमिनियम तो बहुत ही रिएक्टिव है, ये तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये तो ठीक आंसर नहीं हो सकता, कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, देखिए अगर आप आयरन को बाहर रखेंगे खुले में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, कॉपर को रखोगे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, अल्यूमिनियम को रखोगे अल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या होगा अगर आप सोने को गोल्ड को खुले में रख दोगे, क्या वो रिएक्ट करेगा,
एक बच्चे ने मुझे कहा था सर उससे पहले वो चोरी हो जाएगा इससे पहले रिएक्ट करे, ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर ये है कि गोल्ड रिएक्टिव नहीं है, गोल्ड एक नोबल मेटल है। ये आपका ठीक आंसर रहेगा, गोल्ड जो है वो बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, वो नोबल मेटल है। गोल्ड भी ठीक है और भी कुछ मेटल्स होते हैं जो नोबल मेटल होते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो गोल्ड, आयरन, कॉपर और अल्यूमिनियम, इससे आपका सही आंसर गोल्ड रहेगा। ठीक है जी, चलो प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज बाई प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब मुझे आप बताइए जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए जितने एनिमल्स और जितने ह्यूमंस हैं सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधों का उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसका आंसर ए रहेगा ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं और उसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो काफ़ी भलाई का काम करते हैं पौधे ठीक है। तो इसका जो आंसर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, हो गया। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होगा फिर, ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है। जहाँ तक सोडियम कार्बोनेट की बात है ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है, Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, ये सोडियम कार्बोनेट के बारे में याद है सबको, अगर नहीं याद तो पिछली वीडियो देख लो, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा मैंने बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था एक कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है कोई बता सकता है, कोई कमेंट कर सकता है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका होता है जी NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सिंबल है। अब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ठीक है जी, ये भी ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो चलो सिंपल है, NaCl ठीक है, ये साधारण नमक का होता है, तो ये भी आपको साथ में याद करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। कौन सा कलर है जिसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। अब ये वेवलेंथ का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, मैं बताता हूं, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो हमें दूर से ही दिख जाता है। आपने कभी सोचा है कि ये जो रुकने का सिग्नल होता है, जो खतरे का सिग्नल होता है, वो लाल ही क्यों होता है, कभी सोचा है। वो इसलिए होता है क्योंकि लाल कलर की जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये ना दूर से दिख जाता है, तो अगर खतरा है तो हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि आगे खतरा है ठीक है जी। तो इस वजह से जो लाल होता है वो खतरे का सिंबल माना जाता है ठीक है जी। तो इसका आंसर भी रेड ही रहेगा, किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम किसकी होती है, वो होती है जी आपकी इसकी पर्पल की। पर्पल जो है इनमें से सबसे कम जो वेवलेंथ है वो होती है पर्पल की, और सबसे ज़्यादा होती है आपकी जो है रेड कलर की। चलिए ये वीडियो आपकी होती है यहाँ पे ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वाकई अच्छी लगी तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं आजकल और लाइक्स तो बहुत ही कम आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक ही चैनल पे हम आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, आपको आर्मी, पुलिस और SSC और जितने भी 10+2 बेस के पेपर होते हैं उस पर भी तैयारी करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ठीक है जी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो मिलेंगे, वीडियो नंबर 9 बहुत जल्दी लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।